Patti, Cantarrano, Patti, Antara, Adniam, Atara, Kobayashi, Atara, So, Bayashi. इसमें निर्वचन खंड दिया गया है. निर्वचन खंड. ठीक. जो टर्म यूज किए गए हैं उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है क्या है. ठीक है. संपत्ति से कहते हैं प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दो तरह की है. चल व अचल. चल व अचल प्रॉपर्टी में चल चल अचल दो तरह की प्रॉपर्टियां होती हैं. प्रॉपर्टी का मतलब है सत्व की संज्ञा. प्रॉपर्टी स्वामित्व की संज्ञा. स्वामित्व संज्ञा समाज में कि आप उसकी स्वामित्व है सत्व है आपका अधिकार है किसी विषय वस्तु पर कि आपने दी जाती है. और ये बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है. इसका मतलब है इतना उसके पास जो है सत्व है अधिकार है स्वामित्व है ये उसकी संपत्ति होती है. ऐसी कोई सीमा नहीं होती है. कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है. अब अचल संपत्ति कौन कौन सी होगी अब आपके बारे में हम आपको बताते हैं. अचल संपत्ति के रूप में अब अचल संपत्ति क्या है क्या क्या आता है. अचल संपत्ति क्या क्या आता है. अचल संपत्ति जो है नंबर एक मार्ग का अधिकार. मार्ग का अधिकार. नंबर दो अचल संपत्ति
संपत्ति से किराया वसूलने का अधिकार विवेचन संपत्ति में आता है। एक भूखंड भाटक वसूलने वसूलने का अधिकार विवेचन संपत्ति में आता है। चौथा नौघाट, नौघाट मतलब जो नदियों में नाएं जहाँ चलती जिस घाट से उनको नौघाट कहते हैं उसका अधिकार ये भी अचल संपत्ति में आता है। ये भी अचल संपत्ति में आता है। और तमाम चीजें हैं जो भी अचल संपत्ति में आती हैं। नंबर पांच अचल संपत्ति, ठीक ना। इसमें पांचवा क्या है, हाट बाजार, बाजार दे या शोध वसूली ये भी अचल संपत्ति के रूप में आता है। छठा एक मंदिर का पुजारी आनुवंशिक अधिकार, आनुवंशिक पद होते नहीं है, जैसे जिसकी आजा पर पैदा जो इस मंदिर के पुजारी रहे तो वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो एक मंदिर का पुजारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक आनुवंशिक अधिकार ये भी अचल संपत्ति में आता है। सातवां मृत पति के जमीन पर विधवा पत्नी का अधिकार अचल संपत्ति में आता है। आठवां मछली पकड़ने का अधिकार अचल संपत्ति में आता है। नाइन भूमि का पट्टा ये भी अचल संपत्ति में आता है। दसवां पेड़ों से लाभ, लाभ इकट्ठा करने का, इकट्ठा करने का अधिकार ये भी अचल संपत्ति में आता है। और अलेवन है एक कारखाना अचल संपत्ति में आता है। आनुवंशिक भत्ते, आनुवंशिक भत्ते ये भी अचल संपत्ति में आते हैं। तेरा रोशनी का अधिकार, अधिकार ये भी अचल संपत्ति में आता है।
लास्ट है एक दूसरे की भूमि पर चराई काटकर पशु चराने का सब अचल संपत्ति है। इतने तरह के अचल संपत्ति है। दूसरा है निर्वचन खंड में जो शब्द यूज किया जाता है वो है भूम। भूम किसे? भूम जो है तात्पर्य जो है इसमें जो दिया गया है पृथ्वी का तल तल ठीक है पृथ्वी पृथ्वी का तल भूमि है ठीक है। जिसके ऊपर वायुमंडल होता है मंडल होता है। पृथ्वी का तल है और इसके ऊपर वायुमंडल होता है वो भूम कहलाती है। इसके अंतर्गत मिट्टी कीचड़ पानी जलाशय जिसमें होता है सब भूम ठीक। अर्थात जो संपत्ति जो संपत्ति जो चल संपत्ति अपना चल संपत्ति का गुण छोड़ देती है वो भी वह भी अचल संपत्ति में हो जाती है। वो भी अचल संपत्ति में मानी जाती है। कितना तेरह जो चल संपत्ति अपनी चल संपत्ति का जो गुण है वो छोड़ देती है वो भी अचल संपत्ति में चली जाती है। मान जो भी अचल संपत्ति के रूप में मान जाएंगे और भूख से होने वाले लाभ लाभ भूमि से जो लाभ मिलते हैं जो फसल लगती है जो किराया मिलता है जो कुछ मिलता है वो सब अचल संपत्ति की श्रेणी में आता है। सब अचल संपत्ति की श्रेणी में आता है ठीक। भूमि से जो भी लाभ होता है चाहे वृक्ष हो चाहे जो हो
चाहे फसल लगी हो, जो भी जिया मिला जो भी रहता चल संपत्ति में आता है। अब भूम से संबद्ध अचल संपत्ति के रूप में मान जाती है, ठीक ना। ये हुआ आपका प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में अचल संपत्ति और चल के बारे में कौन कौन चीजें अचल संपत्ति में पाई जाती है। इस निर्वचन में धारा तीन अनियोज्य दावा, नियोज्य दावा सेक्शन तीन टीपीए में जो अनियोज्य दावा क्या चीज है, अनसिक्योर्ड मनी जो सुरक्षित नहीं है, अनसिक्योर्ड मनी अप्रतिभूत किसी दूसरा है चल संपत्ति में लाभ का हिस्सा, भी अनियोज्य दावा के रूप में आता है। कितना बार 18